दीदी, ओ ममता दीदी। संदेश खाली इन दिनों जल रहा है। दीदी, ओ ममता दीदी। औरतों की असमत लूटी गई और ममता सरकार चुप है। दीदी, ओ ममता दीदी। ममता खुद चुप है लेकिन किसी और को भी आवाज उठाने की मनाही है। दीदी, ओ ममता दीदी। मनाई तक भी बात नहीं रही अब। दीदी, ओ ममता दीदी। हर कोशिश की जा रही है एक एक की आवाज दबाने की। नमस्कार, इस वीडियो में मैं हूँ आपके साथ पूजा सिंह। कितना भी दीदी को आवाज दो पर उनको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। संदेश खाली में अराजकता अपने चरम पर है। वर्दी में गुंडे नजर आ रहे हैं। नेता तो नेता, पत्रकार भी बख्शे नहीं जा रहे। रिपब्लिक मीडिया के रिपोर्टर संतू पेन को गिरफ्तार किया गया, यानी किसी भी कीमत पर सच बाहर नहीं आना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना में रोका था हाईकोर्ट की इजाजत के बावजूद। इस पूरे मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी शाहजहां की गिरफ्तारी न होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली पहुंचकर लोगों से मुलाकात भी की। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी वहां पहुंची थी, वहां का दौरा किया था। संदेश खाली के दौरे के बाद रेखा शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना यहां की महिलाएं सुरक्षित होंगी। मुख्य न्यायाधीश ने संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को तत्काल आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। अदालत ने इतने दिनों बाद भी अब तक शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं होने पर राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई है। अदालत ने इसी के साथ ये भी टिप्पणी की कि संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है इस पूरी घटना के लिए शाहजहां शेख ही जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश ने ये तक टिप्पणी की कि देखते हैं शाहजहां कितना ताकतवर है और क्या कर सकता है। बीते 10 दिनों से संदेश खाली में तनाव है। यहां पर टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। महिलाओं का ये कहना है कि शेख शाहजहां जिसे चाहे अपनी हवस का शिकार बनाता था। शेख शाहजहां राशन घोटाले मामले में ईडी के रडार पर था, जब रेड पड़ी तो फरार हुआ और टीम पर भी हमला किया। जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में कुल 3 मुख्य आरोपी थे, जिनमें से 2 अरेस्ट हो चुके हैं और उनकी पहचान टीएमसी के नेता शिव प्रसाद हजारा और उत्तम सरदार के रूप में हुई है। मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है लेकिन शाहजहां अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कई बार ममता बनर्जी इस शाहजहां का बचाव करती नजर आई है, मतलब बेशर्मी की कोई हद नहीं है। और महिलाओं की तकलीफ न ममता दीदी को दिखाई देती है न सुनाई देती है, लेकिन एक ना एक दिन न्याय जरूर होता है। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।